ईवीएम का विरोध वो लोग करे चुनावी लड़ते, जो चुनाव लड़ता है वो ईवीएम के बारे में बोल नहीं रहा। तुम्हें लग रहा है ईवीएम से सरकार बन रही है भाजपा की, तो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली अपनी उसको ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं निकाली? जो चुनाव लड़ रहा है वो चुप है, और चुनाव जो लड़ रहा है जो हार चुका है वो बोल रहा है, उसी तरह जी हार गए तो बोल रहा है। अब ये भाजपा को दोष दे रहे हैं कि भाजपा ईवीएम से आ रही है। अरे भाजपा के लोग देख तो लोग ग्राउंड पे काम कितना कर रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग विरोध करें जब तो हटेगी। अब वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार की कोई रैली है? वो नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत व्यक्ति था वो बीजेपी गोदी में जा रहे हैं। घोषणा आज होने जा रही है, 5 साल क्या किया इन्होंने? बस ये मीडिया में बोलते रहे ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, क्यों नहीं उतरे रोड पर? भाई तुम भी कोई लहर बना लो, रोजगार की लहर बना लो, रोटी की लहर बना लो, भुखमरी की बना लो। कोई देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी हो गई, रोजगार नहीं है, नौकरी छिन गई, ठेकेदारी प्रथा आ गई है, बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं, तुम बना लो मिलके। सब लोग करप्ट है, भ्रष्ट है, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जेल में डाल दे, तो अपने आपको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई ईवीएम वीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपने आपको बचाने काम कर रहे हैं। तो अपने आपको बचाओगे जब तक मारे जाओगे। लखन जी अभी क्या कहें, पूरे देश में ईवीएम का विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे इसको? लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ईवीएम से ईवीएम जो में है छेड़खानी हो सकती है, और उसके माध्यम से जो है वो वोट जो है डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो विकास जी, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए ईवीएम का विरोध कौन कर रहा है? ईवीएम का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो चुनाव नहीं लड़ते। ईवीएम का विरोध वो लोग कर रहे चुनाव नहीं लड़ते। जो चुनाव लड़ता है वो ईवीएम के बारे में बोल नहीं रहा। भाई अखिलेश है, लालू यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तमाम जो लोग अन्य पार्टी अपने ममता बनर्जी है, स्टालिन जी है, तमाम लोग कांग्रेस है। तुम्हें लग रहा है ईवीएम से सरकार बन रही है भाजपा की, तो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली अपनी उसको ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं निकाली? उन्होंने देश के अंदर निकाला भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अरे तोड़ा किसने था भाई? भारत टुकड़े कब हुए भारत के? किसी सरकार में टुकड़े हुए? और फिर चलो तुम्हें लग भी रहा है कि भाई ईवीएम के अंदर विरोध है तो ईवीएम हटाओ यात्रा निकालो, तमाम पार्टियों को ईवीएम के विरोध बोलना चाहिए। जो सत्ता में है, जो जीत चुके अब उदित राज जी हैं, वो ईवीएम के विरोध बोल रहे हैं। जब जीत के आए थे भाजपा से, जब क्यों नहीं इस्तीफा दिया कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मेरे चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए, मैं तो ईवीएम से जीत के आया हूं, मेरे यहां तो ठप्पे वाले चुनाव होंगे, वो जब नहीं बोले। राजेंद्र पाल गौतम जी है, वो जब नहीं बोले। अब जब सरकार में मंत्री बन गए हैं, सब कुछ हो गया है, विधायक बन गए हैं, सीट क्यों छोड़ी अपनी? अपनी सीट छोड़ते ना कि भाई मैं तो ईवीएम से जीत के आया हूं, मैं सीट छोड़ता हूं। जब ईवीएम सही थी, जब ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, घर से निकलना नहीं चाहते बहुजन टाइप के लोग जितने भी हैं, दलित जितने भी हमारे लोग हैं, ये घर से निकलना चाहते नहीं है, और घर पे बैठ के माइके बोलते हैं। अरे जो विरोध वो कर रहा है जो चुनाव नहीं लड़ रहा, जो चुनाव लड़ रहा है वो चुप है, और चुनाव जो लड़ रहा है जो हार चुका है वो बोल रहा है, उसी तरह जी हार गए तो बोल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, बड़े मार्च भी वो कई बार निकाल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या चुनाव लड़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट का वकील या हाई कोर्ट के वकील चुनाव लड़ रहे हैं। जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, भाई चुनाव जो लड़ेगा वो हारेगा या जीतेगा। अब जिसको लग रहा है मैं हार रहा हूं, गड़बड़ ईवीएम की है, तो विरोध सबसे पहले उस पार्टी को करना चाहिए ना। आम इंसान को, आम पब्लिक को तो हम साथ समर्थन में है कि भाई ईवीएम हटनी चाहिए, लोगों को दिमाग में भ्रम आ रहा है तो हटाओ ईवीएम को, बिल्कुल जन आंदोलन बनना चाहिए। लेकिन जन आंदोलन बनने से पहले जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो कितनी भी पार्टी है, चाहे बीएसपी हो, सपा हो, आरजेडी हो, नीतीश हो, तमाम पार्टियों को कम से कम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर यात्रा निकालनी चाहिए। वहां पे वो सक्षम लोग हैं, उनके पास उनके बहुत सारे कार्यकर्ता है, बहुत सारे पदाधिकारी है, वो लोग पूरे देश के अंदर आवाज उठा सकते हैं, नेशनल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया आ सकती है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो चुप है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम ठीक है। अब ये भाजपा को दोष दे रहे हैं कि भाजपा ईवीएम से आ रही है। अरे भाजपा के लोग देख तो लोग ग्राउंड पे काम कितना कर रहे हैं, भाजपा के लोग देख तो लोग ग्राउंड पे लगातार उतरे, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उतरे रहते हैं। और तुम लोग जो विरोध कर रहे हैं, वो तुम कितने मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कितने ग्राउंड पे जाकर लोगों को जगा रहे हो, कितने लोगों को बता रहे हो, लग रहा है ईवीएम खराब है। मैं ईवीएम के पक्ष में नहीं हूं, मैं भी ईवीएम के विरोध में हूं, मैं भी चाहता हूं ईवीएम हटनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले वो लोग हम चुनाव लड़े दो। हमने 2 चुनाव लड़ा, निगम पार्षद लड़ाई हमने अपने संगठन के माध्यम से, हम भी विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, लेकिन जो स्थापित लोग हैं, जिनकी पार्टी स्थापित है, उनको रोड पर उतरना चाहिए। ईवीएम को लेके ईवीएम हटाओ यात्रा निकालनी चाहिए देश के अंदर, पूरे देश कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक ईवीएम हटाओ यात्रा चलनी चाहिए। हटेगी क्यों नहीं हटेगी? सिर्फ संविधान में प्रावधान है भाई, प्रावधान जब लाने का था तो हटाने का भी है।
सब कुछ है, लेकिन बशर्ते हमारे लोग जब चुनाव लड़ा दे कोई पार्टी, चुनाव लड़ा दे कोई पार्टी, अब उदित राज जी ने पार्टी बना रखी थी अपनी, बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, एमपी बन गए, जब तो नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो दी, जब उनका विरोध नहीं था ईवीएम का, राजेंद्र पाल गौतम या तमाम वो लोग जो मंत्री बने किसी किसी पार्टियों से, तब विरोध नहीं हुआ ईवीएम का, और आज हट गए, ईवीएम खराब है भाई। अरे ऐसी खराब थी तो अपनी सीट छोड़ के दिखाते ना, जब मानते आप लोग लीडर हो, जब आपको बोलते कि आप लोग सामाजिक योद्धा हो, जीत गए हैं सब कुछ हो गया, सत्ता चली गई सब कुछ है, केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, तो अब डर लग रहा है कि कहीं विधायक बने ना दोबारा, तो एक काम करो ईवीएम का विरोध कर लो, पर वो काम चल रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ईवीएम जहां तक हमें लग रहा है गलत है, तो गलत है तो हटनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि तमाम लोग जितने भी लोग ईवीएम का विरोध कर, चाहे कोई भी हो किसी पार्टी की हो, भाई आप लोगों को मिलकर तमाम जो स्थापित पार्टी है उनको रोड पे उतर के, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार आरोप लगाते हैं कि भाई ये अप्रूव्ड कहां से है, जैसे अगर हम फूड का एक पैकेट लें तो वो एफएसएसआई से अप्रूव्ड होता है, तो ईवीएम कहां से अप्रूव्ड है, क्या है, कुछ अता ही पता नहीं है उसका। अरे भाई ये भी तो भारत सरकार जो देश के अंदर काम कर रही है, भारत सरकार भी ऑथेंटिक चीजें ला के तो लेके आई होगी। अब जिस देश ने लोग एग्जांपल देते हैं कि अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, यूके में नहीं है, तमाम जो बड़ी बड़ी कंट्रियां विकसित देश हैं, तो वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। हम चाहते हैं भारत में भी ना हो, हम तो चाहते हैं भारत में भी ना हो, हम तो चाहते हैं ईवीएम हटनी चाहिए, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि हटेगी कैसे, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग विरोध करें जब भी तो हटेगी, अब वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार की कोई रैली है, वो नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत व्यक्ति था वो बीजेपी गोदी में जा रहे हैं, ये बताओ ना, तो विरोध करेगा कौन, जो उनको पता है कि भैया ईवीएम ठीक होगी जब भी तो जा रहे हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ है सब कुछ है, तो नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा पार्टी नीतीश को क्यों बुलाए अपने साथ, क्यों वो अलायंस को जोड़े, वाम से भी तो करेंगे, वामन मिश्रा में वो भी 31 तारीख को ईवीएम का विरोध, क्या वाम मिश्रा चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी तो पार्टी है, कौन सी पार्टी है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है, कितने देश में स्थापित है, क्या बसपा जितने स्थापित है, लालू जितने स्थापित है, जो लोग स्थापित है वो लोग विरोध कर रहे हैं क्या, वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी जानता कौन है, बयान कई बार आ जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़, देखो ऐसा है मीडिया लगा दी, किसी ने बोल दिया क्या जी ईवीएम में गड़बड़ है, हाँ जी ईवीएम हटनी चाहिए, अरे जब पता है हटनी चाहिए तो भाई जन आंदोलन करो। ईवीएम अखिलेश यादव जी के उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर विधायक है, बड़ा विपक्ष है उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी, और एक मतलब नेता है बहुत मजबूत, तो उनको तो रोड पर उतर जाना चाहिए। भाई उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश के अंदर है, 80 लोकसभा के अंदर अगर मैं बात करूं अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी, या तमाम वो लोग जो बहुजन मूवमेंट के लोग जुड़े हुए हैं, तो 80 लोकसभा प्रभावित कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो मिलकर इंडिया गठबंधन बनाने की बजाय उनको सबसे पहले मिलकर ऐसा गठबंधन बनाना चाहिए कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, पहले ऐसा गठबंधन बना लो, उसके बाद तुम्हें लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है तो तुम्हारी जितनी पॉपुलरिटी हो तुम जीत जाओगे। समय बचा है क्या, कुछ ही महीनों बाद तो इलेक्शन की घोषणा, कुछ ही महीने बाद हो जाएगी घोषणा, तो अभी घोषणा हुई नहीं ना, घोषणा आज होने जा रही है, 5 साल क्या किया इन्होंने, बस ये मीडिया बोलते रहे ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, क्यों नहीं उतरे रोड पर। अब मोदी जी ग्राउंड पे है, रोड पर है, अगर भाजपा जीत जाती है, मान के चलो भाजपा जीत जाती है, तो यही लोग बड़े पैमाने बोलेंगे ओ ईवीएम है, पता था भाजपा आएगी, अरे भाई आएगी तो काम भी तो कर रहे हैं, तुम काम कर लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आओ उसी मैदान में, तो आओ मैदान में, कोई आना चाहता है। लोग कह रहे हैं कि ना ग्राउंड पे जो है मोदी का विरोध है, वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो तमाम तरीके के जो आयोजन कर रहे थे, जैसे राम मंदिर का आयोजन कर दिया, पूरे देश में एक लहर दौड़ गई, और फिर ईवीएम के माध्यम से जीत जाएंगे ये लोग, तो कहेंगे कि भाई राम मंदिर की लहर से जीत गई, तो भाई तुम कोई लहर बना लो, भाई तुम भी कोई लहर बना लो, रोजगार की लहर बना लो, रोटी की लहर बना लो, भुखमरी की बना लो, कोई देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी हो गई, रोजगार नहीं है, नौकरी छिन गई, ठेकेदारी प्रथा आ गई है, बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं, तुम बना लो मिलके, तुम्हारी हिम्मत नहीं है क्या, तुम क्यों नहीं बना पा रहे लहर, क्योंकि लहर क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि ये लोग अपने अपने क्षेत्र तक सीमित है, सब लोग करप्ट है, भ्रष्ट है, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जेल में डाल दे, तो अपने आपको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ईवीएम वीवीएम विरोध नहीं कर रहे हैं, अपने आपको बचाने काम कर रहे हैं, तो अपने आपको बचाओगे जब तक मारे जाओगे। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई आप लोग मिलकर, तमाम लोग इस देश के अंदर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि ईवीएम का विरोध होना चाहिए, ईवीएम हटनी चाहिए, तमाम बहुजन जितने भी दलित है, बहुजन है या सर्वजन है, जो चाहते हैं, आप लोगों को मिलकर भाई रोड पर उतरना होगा, रोड पर उतरकर जो भी व्यक्ति आंदोलन करता है उसके साथ समर्थन करना होगा, तब जाके ईवीएम हटेगी, और मिलकर
तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग इस ईवीएम हटाओ, विरोध जो चल रहा है उसके अंदर साथ समर्थन दे और तमाम लोग, लोगों को जगाने के लिए रोड पर उतरे, सच बात चाहे रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई इस देश के अंदर बनाई जाए, ऐसी मैं सब लोगों से मतलब अपील करता हूँ। धन्यवाद।